इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया का मोस्ट पॉपुलर वन एंड ओनली कुकिंग रियलिटी शो मास्टर शेफ इंडिया की। हम जानेंगे कि मास्टर शेफ विनर्स को जीतने के बाद क्या प्राइज मिला एंड साथ ही साथ जानेंगे कि इस शो के बाद इन्होंने अपनी लाइफ में कितनी तरक्की की। तो चलिए शुरू करते हैं सीजन वन के विनर से, जो कि हैं पंकज भदौरिया। पंकज भदौरिया ने 25 दिसंबर 2010 को मास्टर शेफ इंडिया के सीजन वन का टाइटल अपने नाम किया। सीजन वन का टाइटल जीतने पे इन्हें 1 करोड़ रुपए का कैश प्राइज मिला एंड अपना खुद का कुकरी शो एंड कुक बुक पब्लिश करने का मौका मिला। सितंबर 2011 में इनका पहला कुकरी शो टेलीकास्ट हुआ ऑन स्टार प्लस, जिसका नाम था शेफ पंकज का जायका एंड इस शो को बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल माना गया। इसके अगले साल इन्हें 2012 में सेल्स का बाजीगर टीवी शो में देखा गया, जहां इन्होंने एज अ जज अपीयरेंस दी थी। इन दो शोज़ के अलावा इन्हें और 10 से भी ज़्यादा कुकिंग शोज़ में देखा गया, जिनमें से कुछ के नाम हैं किफ़ायती किचन, 3 कोर्स विद पंकज, हेल्थ इन 100, ड्रीम किचन एंड करेंटली आप इन्हें देख सकते हैं और माँ की रसोई टीवी शो पे। इन्होंने मास्टर शेफ इंडिया के सीजन 2 एंड सीजन 4 में भी अपीयरेंस दी थी बट एज अ गेस्ट। इनको टीवी शोज में काम करने का मौका तो मिला ही, बट इसके साथ साथ इन्हें बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनने का मौका मिला, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट लूमिया, ताज़ा टी, नॉर सूप, सैमसंग स्मार्ट ओवन, केंट जूसर एंड ईस्टर्न मसाले। पंकज शेफ के साथ साथ एज अ स्पीकर भी जानी जाती हैं। इन्हें आप बहुत सारे इवेंट्स में अपनी बातों से लोगों को इंस्पायर एंड मोटिवेट करते हुए देख सकते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा ये अपना रेस्टोरेंट भी चलाती हैं, जिसका नाम है कैफ़े बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि लखनऊ में लोकेटेड है। मूव करते हैं अगले विनर पे, शिप्रा खन्ना। शिप्रा खन्ना ने 1 जनवरी 2012 को मास्टर शेफ इंडिया के सीजन 2 का टाइटल अपने नाम किया। सीजन 2 का टाइटल जीतने पे इन्हें भी 1 करोड़ रुपए का कैश प्राइज मिला एंड अपना खुद का कुकरी शो एंड कुक बुक पब्लिश करने का मौका मिला। 2012 में इन्होंने अपना खुद का कुकिंग शो होस्ट किया, जिसका नाम था किचन स्टार्स का सफ़र ऑन स्टार प्लस। किचन स्टार्स का सफ़र के अलावा कुछ और टीवी शोज़ जिनमें इन्हें देखा गया उनके नाम हैं रॉका बाउल, मास्टर क्लासेस विद शिप्रा खन्ना, देसी गो में, फ्लेवर ऑफ रमदान, प्योर सिन एंड के फॉर किड्स। बहुत सारे टीवी शोज़ पे तो इन्होंने वर्क किया ही, बट इसके अलावा इन्होंने अपनी काफ़ी सारी किताबों को पब्लिश किया। शिप्रा ने शेफ के साथ साथ एज अ कंसल्टेंट, ऑथर, रेस्टोरेंटर एंड एंकर फॉर टीवी शोज भी वर्क कर रखा है। 2014 में इन्हें नेपाल की तरफ से विमेन शेफ टेकिंग टेस्ट बियॉन्ड बॉर्डर का अवार्ड मिला था एंड इसके साथ साथ इन्हें हिमाचली ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिल रखा है। अभी ये मोस्टली वर्क करती हैं एज अ कंसल्टेंट फॉर रेस्टोरेंट्स। बात करते हैं अब सीजन 3 के विनर की, जो कि हैं रिपु दमन हंडा। रिपु दमन ने 9 जून 2013 को मास्टर शेफ इंडिया के सीजन 3 का टाइटल अपने नाम किया। सीजन 3 का टाइटल जीतने पे इन्हें केवल 1 करोड़ रुपए का कैश प्राइज मिला। बहुत लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि जब इनकी मम्मी बीमार रहती थी तब ये घर में खाना बनाया करते थे एंड यहीं से इनके कुकिंग करियर की शुरुआत हुई थी। ये मास्टर शेफ में आने से पहले गुरुद्वारों के लिए खाना बनाया करते थे। इन्होंने जी खाना खजाना से लेके लिविंग फूड्स तक वर्क कर रखा है। मूव करते हैं सीजन 4 के विनर पे, जो कि हैं निकिता गांधी। निकिता गांधी ने 12 अप्रैल 2015 को मास्टर शेफ इंडिया के सीजन 4 का टाइटल अपने नाम किया। सीजन 4 का टाइटल जीतने पे इन्हें भी 1 करोड़ रुपए का कैश प्राइज मिला। निकिता गांधी अबू धाबी में पली बड़ी हैं एंड अपनी ग्रेजुएशन के बाद ये इंडिया मूव कर गई थी। इंडिया पहुंचते ही इन्होंने मास्टर शेफ के सीजन 4 में पार्ट लिया एंड उसे जीत दिखाया। अभी ये अपना वेबसाइट चलाती हैं जिसका नाम है द वेजी फिक्स एंड इस पे ये अपना डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेरियन रेसिपीज बताती हैं। अब बात करते हैं लास्ट मास्टर शेफ सीजन 5 के विनर की, जो कि हैं कीर्ति भोटिका। कीर्ति भोटिका ने 25 दिसंबर 2016 को मास्टर शेफ इंडिया के सीजन 5 का टाइटल अपने नाम किया। सीजन 5 का टाइटल जीतने पे इन्हें 50 लाख का कैश प्राइज मिला। इन्होंने सबसे कम उम्र में मास्टर शेफ इंडिया का टाइटल जीतने का रिकॉर्ड सेट किया है। कीर्ति ने 20 साल की उम्र में ही अपना होम बेस्ड बेकरी चालू कर दिया था, जिसका नाम था शुगर प्लम केकरी। सीजन 5 जीतने के बाद इन्होंने अपने खुद का बेकरी शॉप के बिजनेस को और बड़ा किया एंड न्यू शॉप्स खोले, जो कि कोलकाता में लोकेटेड है।
अभी ये मोस्टली कुकिंग इवेंट्स एंड ट्रैवल शोज में दिखती हैं। मास्टर शेफ इंडिया के पांचों विनर्स के बारे में तो आपको बता दिया, बट अब बताते हैं एक लौते जूनियर मास्टर शेफ सीजन 1 के विनर की, जो कि हैं सार्थक भरद्वाज। जूनियर मास्टर शेफ स्वाद के उस्ताद को सार्थक भरद्वाज ने 2 नवंबर 2013 को जीता था। ये जीत इन्होंने 13 साल की उम्र में हासिल की और इसके लिए इन्हें 20 लाख का कैश प्राइज मिला। इस पैसे से सार्थक का प्लान है इंग्लैंड जाके होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने का। अभी ये मोस्टली पढ़ाई पे ध्यान देते हैं एंड कभी कभार छोटे मोटे कुकरी शोज इवेंट में देखे जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी दूसरे रियलिटी शोज के विनर्स के साथ।